Thank you.
I'm
Thank you.
Yes.
नहीं समझ। तो मैं पहला एसोसिएट साथ को हार मोर देन एवन। सो कृष्ण सो मच ब्यूटीफुल मैन हियर ही कैन प्ले ऑन फ्लोर एंड हियर ही द पिक ऑफ पीटर नॉट इन अयोध्या नॉट इन वैकुंठ नॉट इन द्वारका। To take revenge or anything, enemy comes. But it is also in pressure, if anger is seen, but it is the effect of prem. माने प्रेम की विकृति है ऐसा समझो। इसलिए यशोदा मैया उनके पीछे पीछे चल रही है उनको पकड़ने के लिए। इसमें बतलाया गया परामृष्ट मत्यन ततो दृत्य गुप्त्य। यहां पर बतला रहे हैं, यहां पर बतला रहे हैं यशोदा जी कृष्ण के पीछे दौड़ रही है। बड़े बड़े रोगी योगी लोग मुनि लोग नारद जी जैसे लोग भी ब्रह्मा और शंकर भी और लोगों की तो बात थी क्या, अपने मन को पवित्र करके संपूर्ण रूप से एकांत करके भी जिन कृष्ण के चरण कमलों को अपने हृदय में भी ध्यान में भी नहीं स्पर्श कर सकते, आज मैया यशोदा गोपी गदी मंथन करने वाली गोपी यशोदा मैया उनके पीछे लठिया लेकर के दौड़ रही है उनको पकड़ने के लिए और शासन करने के लिए। योगीज लाइफ एंड मुनि लाइफ नारद ब्रह्मा सुकुगा गोस्वामी दे वांट टू टच द लोटस फीट ऑफ कृष्ण इन देयर प्योरिफाइड हार्ट बट इट इज वेरी रेयर। एंड यशोदा मैया टर्निंग दधी लिविंग इन गोकुल इट डज नॉट नो ध्यान आर एनीथिंग authorities and he is by body following Krishna to catch to control him and to chastise. This is a very strange Vyapara. So Yashodama was quickly running more than Krishna. This, what is the meaning? तथोद्रुत्य गोप्या। वो कृष्ण जितने दौड़ रहे हैं उससे अधिक विश्व में कृष्ण से अधिक तेज दौड़ने वाला कोई है? कोई तेज दौड़ने वाला नहीं। ऋषि मुनियों का मन भी जिनको पीछा नहीं कर पाता नहीं छोड़ पाता है और यशोदा मैया उनको पीछे से पकड़ करके उनसे अधिक दौड़ने लगे तब तक पकड़े। अधिक दौड़ने का तात्पर्य यह है कि कृष्ण का मैया के प्रति जितना प्रेम है वात्सल्य प्रेम है कृष्ण के प्रति प्रेम है, यशोदा जी का कृष्ण के प्रति उससे अधिक वात्सल्य प्रेम है। इसलिए यस आई एम टेलिंग दैट द शास्त्री इज टेलिंग दैट यशोदा जी रानी क्विकली मोर देन कृष्णा। व्हाट इज द हिडन मीनिंग? द मीनिंग इज दिस
that Krishna loves Yashoda Devi, mother, like mother. And Yashoda loves Krishna as Vatsalya Ras. This Vatsalya Ras of Yashoda is more deeper, more stronger than Krishna loves mother. And that is why she quickly came nearer to Krishna. And he took his stick and told Krishna, "Oh, I'm throwing this stick to you." Hearing this, Krishna stood up there. Krishna वहाँ पर ठहर गए और मैया हमें क्यों मार रही, क्यों हमारे ऊपर में तुम नाराज हो? उन्होंने कहा कि तुमने सदी का पात्र क्यों फोड़ा? Why you broke the vessel? Krishna answered, "Maya never broke it. मैंने तो नहीं तोड़ा." Yashoda Ma asked, "Who broke it? किसने तोड़ा?" Krishna at once answered, taking very long breath like this, because he was tired at that time. सांस लंबी लंबी सांसें ले रहे थे और उस समय उन्होंने कहा, "मैया, तुम जब दौड़ करके हमको पकड़ने के लिए आ रही थी तो तुम्हारे पैर के कड़ुले से, कड़ुला मैंने मोटा मोटा सोने या चांदी के जो बनते हैं ठोस अलंकार, वो लग गया और उसमें जल्दी से तुम लग गया और वो टूट गया. When you were running, तो परसुमिंग एट दैट टाइम योर अलंकार ऑर्नामेंट ऑफ थी and by that it was broken. I have not. Oh, you are so, you are thief, you are lying, lawyer." Then Krishna answered, "Mother, we have no thief or show in our father dynasty. It may be that the chore, the thief will be in your dynasty." Yashoda Ma began to smile. Yashoda Maiya hansne lagi. Iske baad mein phir unke piche daudi. Daudte daudte unke kesh ke bandhan khul gaye aur wahan ke phool sab niche girne lage. Yashoda bhi daud rahi hai, phool bhi ek ek karke gir rahe hain. When Yashoda Maiya was running quickly, his hair khul gaya. Untied. And flowers began to come gradually, 1, 2, 3, 4, as if they are telling, "Oh mother, don't worry, don't think that I am alone pursuing Krishna. We are all with you together and we will catch Krishna and punish Krishna." Oh, unke piche piche jo phool gir rahe hain वो मानो कह रहे हो, "मैया, हम लोग भी तुम्हारे पीछे पीछे चल रहे हैं, अकेली नहीं है, अभी कृष्ण को जरूर पकड़ेंगे, इसे तुम दौड़ना छोड़ मत." यू शुड नॉट स्टॉप योर रनिंग, यू शुड गो ऑन इन सर्च ऑफ करी, ही विल बी कैच. इस तरह से वो दौड़, अंत में यशोदा मैया ने उनको पीछे से पकड़ लिया. एट लास्ट ही कैच होल्ड ऑफ कृष्ण फ्रॉम बैक साइड. Now, rudantam bhurnatra jugumam mrijantam karambhoja jugmena satanta nitram muhatvapakam patulekham prapancha sitakraibam dam dharam kapsitam. Rudantam bhurnatra Yashoda Devi caught Krishna by his left hand, his right hand, by right left hand she
called Krishna right hand. And from his right, her right hand, she took that stick. Oh, I'm biting. And Krishna at once began to go behind Yashodadi. Krishna उनके पीछे पीछे भागने लगे और शिशकते हुए रोने लगे, आंखों से गंगा जमुना की धारा बहने लगी। निकलती है तो गंगा किंतु जमुना हो जाती है। कृष्ण के काजलों से मिलकर और काली हो करके ऐसे धाराएं काले के ऊपर में काली धारा पस्तकचल से पीछे बह रही है। कृष्ण टीयर्स आर रियली फाइट बट बाई मिक्सिंग द काजल ब्लैक काजल एंड कृष्ण इज डूइंग सम पार्ट लाइक दिस सम टाइम्स लाइक दिस एंड वीपिंग बिटरली बट यस टू नो आप लोग समझेंगे कृष्ण जी ये जो रो रहे हैं ये नखड़े कर रहे हैं सर। नखड़ा करना क्या समझते हैं? नखड़े करना, नखड़ा करना। वो बहाना बना रहे हैं ऐसा मत समझो, या पार्ट प्ले कर रहे हैं ऐसा मत समझो। ये इज नॉट प्रिटेंडिंग बट रियली ही इज वन कैन एक्ट हाउ ही कैन वी बिकॉज ही षड ऐश्वर्य पूर्ण can no fear if any worthy person has any chance of suffering fear and if he chants Govinda or anything Krishna Ram he comes out of fear and why Krishna being the supreme personality of Godhead having so many six kinds of opulence and asankar shakti sarva shakti man he can do anything And why he will fear? So he must have been written. But no. Because Kunti is telling in his prayer that Yashoda was ready to beat him. And at that time waiting so bitterly. I think that bit, crying And anything was natural, not a pretending or anything. वो बहाना नहीं था। क्यों? कृष्ण की लीलाएं यहाँ पर ब्रज में नर लीलावत होती है। इसलिए कृष्ण की ऐश्वर्य शक्ति उस समय में उड़ गई। उनकी लीला शक्ति या उनकी कृपा शक्ति के कारण। इसलिए उस समय कृष्ण सचमुच नहीं रो रहे हैं। यशोदा मैया मारेगी उनकी भगवत्ता भी भूल गई और यशोदा जी की भी जो मुक्तों से भी बड़ी है वो भी भूल गई कि ये कृष्ण भगवान है। वो अपना केवल बच्चा अपना बेटा मान करके और उसको शासन कर रही है दोनों का। ब्रह्मा और शंकर या अपेक्षा भी गोपियां और गो और सखा लोग बहुत उन्नत है। मुक्तों कभी आराध्य ये लोग हैं इसलिए इनमें भी सर्व अंतर्यामित्व और सर्वज्ञता है। आई थिंक दैट इवन नंद यशोदा श्रीराम सुबल मधुमंगल एंड ऑल द गोपीज ऑफ कृष्ण ऑफ द ब्रज आर सर्वज्ञ ऑल नोइंग भूत भविष्य वर्तमान एवरीथिंग दे So Yashoda Maa, why he is not thinking that he is a supreme personality of Godhead? Because Madhurya Shakti, Madhurya Lila Shakti has covered at that time. Yeah? Mood of affluence. And that is why Yashoda Maa is thinking only that he is my dear son, knowing nothing at all. And Krishna has also forgotten his all kinds of happiness. That is why this Lila is going on. Otherwise, it will be as per the Lila. इसलिए कृष्ण सचमुच ही रो रहे हैं, बनावटी नहीं। उस समय रुदन था
मुहूर्त में जुगम जब यशोदा मैया अभी लटिया उठाती हैं, अभी मारा और कृष्ण जल्दी से पीछे चले जाते हैं। एक हाथ तो पकड़ लिया है, इसलिए दूसरे हाथ से बाएं हाथ से अब इस प्रकार से कर रहे और उन खूब जोर से रो रहे। उस समय रोने से क्या हो रहा है, परम खोज दुख भी नाम कर That is stick, then when this stick will come to my back, so he is so much fearing. Like this, the Yashoda Maiya hands comes here, then Krishna, that drishti, that comes here, here, that here. So often moving, here and there, more swasa kampa kriri khanita. Krishna, attitude is so good. His weeping is so beautiful. He is hiding on the back is also. His naked is more beautiful. If anything, black spot or anything comes here and there, he becomes more. When Krishna goes to cowherding, जब कृष्ण cowherding के लिए वो जाने के लिए जाते हैं, तो वो खुद रज से उठ करके आकाश में आकाश धूल से भर जाता है। At that time, whole sky covered by dust. By dust. At that time, all the dust covers Krishna's face. And Krishna looks like more beautiful than if anyone has given and very beautiful golden power. So, Mūsvārta Kampak Rirekhaṁ Kakanta. When he is weeping and taking a long, long breath, then the devotee comes here, like Sankha, onset. It is the sign of very beautiful face or anga. Yes, that is it. Tim Chino ne, a face ne, trivali padti hai. जो लोग दुर्बल हैं, दुबले पतले हैं, उनको नहीं होगी। जो लोग जिनकी भूड़ी बहुत ऊंची है उनको भी नहीं होगी। Those who are so fat that their stomach is like this, ऐसा उनको नहीं होगी। और जो दुबले पतले हैं उनको भी नहीं होगी। जो अत्यंत सुंदर लोग हैं, जो दूर बड़े देखते हों, when they break or not, when they will see three molding, molding, and also media. So Krishna is so beautiful. So when he is taking so long, long breath, his ears are dancing on Krishna's beautiful cheek. Always they are, it seems that they are always kissing Krishna. So beautiful. Sattaparat Muni think that if I was the earring of Krishna, I was so lucky to Yashoda Maiya always. So she is more, yeah, more so bhagyavati. But I am not fortunate like her. So, and also, Chitakraivam Dhamu Dharam Bhakti Bhaktam. रेगम मीन्स हार, तो इसके गले में हार जो सुधा मैया ने पहनाया, वो भी जब कृष्ण लंबे लंबे श्वास ले रहे हैं तो उसका हार भी हिल रहा है। और हार कहाँ हिल रहा है, उसके इस त्रिवली पर, और इस त्रिवली में हार है क्या है, तो वो वहां भी और यहाँ भी, और कान भी कुंडल भी उसी तरह से हैं। उस समय कृष्ण की अद्भुत छटा होती है सुंदर रूप से। एट दैट टाइम कृष्ण बिकम सो ब्यूटिफुल। Even speaking, Sanatana Goswami is telling that we have described, हम लोगों ने उनके रूप का वर्णन किया, उनके तत्व का सच्चिदानंद तत्व का वर्णन किया पहले श्लोक, उनके परिकरों का भी हमने वर्णन किया, अब उनके लीला वैशिष्ट्य का हम वर्णन करते हैं। कैसे मधुर उनकी लीला है, how beautiful
how sweet is the Krishna pastime. In this slok, Rudantam Mumurmetra, Shatapratma is explaining. Jasodamanya. So, she went to shave the milk. This was kept on the fire, very near. She wanted to keep Krishna aside. She was still not satisfied by taking milk. वो अभी तक कृष्ण संग उनका पेट नहीं भरा था. जसोदा मैया ने देखा ये दूध उखड़ रहा है, बार बार गिर रहा. उन्होंने सोचा ये दूध दूध नहीं है, ये तो कृष्ण का भक्त है. जब भी किसी भक्त को कृष्ण की सेवा न मिले तो केनो आज है प्राण. भक्तों का मूड ऐसा होता है कि यदि कृष्ण की सेवा नहीं हो सकी, उनका नाम नहीं हो सका, उनका चिंतन नहीं हो सका, उनकी कोई सेवा नहीं कर सका, तो उसे मर जाना ही अच्छा है. It has things like that. If I am not used in the service of Krishna, I am not going in service of Krishna, I am not serving the Krishna associate, then why I have no right to live in this? I want to die. So this milk, like a father, he sees that milk in Yashoda's breast is so much endless that unless lacks but it will not be finished. And Krishna's appetite is so much, so high that less and less Yashoda will take the breast of Yashoda Maya. His stomach will be not filled. Because Krishna, all the whole world, all worlds are in the stomach of Krishna. So it is very difficult to fulfill. So they will be thinking, what then? In my whole life I will have no chance to say to serve Krishna, so I should die. And so he is jumping in the fire. Yashoda Maya. Like Guru, he is the highest in partial direct service. Oh, this is not God. This is not God. I am just coming and I will give him service. So Guru Dev is like this. Always serving Krishna. He has no time. But when he sees the greed of any devotee, उनकी जब भी आतुरता को देखता है, उनकी भावना को देखता है कि कृष्ण सेवा के लिए वो अत्यंत दुखी हो रहा है, उस समय गुरुदेव उन पर कृपा करके कृष्ण सेवा के लिए अवकाश देते हैं. इसलिए यशोदा मैया ने उनको अवकाश देने के लिए जब चली तो कृष्ण ने उनको बंदर की भांति उनके स्तनों को पकड़ लिया जोर से. When Yashoda Maya wanted to go there and to save that milk, Krishna taken Yashoda Maya like monkey by two legs and hands. She called Srimati Yashoda Maya. And by mouth, very tightly he took the breast. But Yashoda Maya saw that he is doing like so. So very easily he told, oh, baitho yahan. Aur zor se lekar ke unko baitha diya. Yashoda Maya very easily told Krishna, oh, you should sit here. Upana, having the power of how much? 10,000 elephants. But she could not get rid of Krishna. And she was there. But here Yashoda Maya very easily told
how he could sit here. And there is the reading. Krishna could not do it. Seeing supreme personality of all power, he could not do it. Then he became angry and he took a patta, a stone piece, which he was using. Grinding masala and all other things. And he took and now he was in jail. In the home where in Jesus makhan was kept, makhan wahan par rakha gaya tha. Aur usko jaakar ke nikalne lage aur bandaron ko dene. Iske baad mein jab Yashoda maiya ne unko pakad liya, अब ये जब रो रहे हैं इसी अपराध के लिए कर रहे हैं, इस अपराध के लिए देखेंगे मैया कब हमें मारेगी, इसलिए पीछे वो चले जा रहे हैं शासन करने का। फियरिंग आई इज लुकिंग ऑन दी स्टेज व्हिच यशोदा हैज टेकन ही फॉर बाय बीटिंग कृष्ण। यशोदा saw that he is waiting so bitterly. Then he thought, अच्छी बात, मैं तुम्हें मारूंगी, किंतु तुम्हें बांध करके रखूंगी। She saw waiting Krishna, and we now thought that I should not beat this one. So she told that I will not beat you, but I will find with the same Uddhava on which we are standing, because both are culprit. Krishna is culprit and the person who is helping the culprit is also culprit, so must go, both should be punished. So I bind both in a one row, and she told her Sakhi, मैंने अपने सखियों से कहा एक रस्सी लाओ तो हमारे घर से, और उसने रस्सी लाई लंबी और उसको बांधना चाहा, एक बार भी नहीं गया तो उनको कम पड़ गया। ही आस्क्ड दैट ही शुड ब्रिंग अ रोप फ्रॉम माय हाउस। सखी ब्रॉट इट एंड यशोदा मैया टुक इट एंड बिगन टू बाइंड इट, बट नॉट one round was completed, two fingers were left. Again she brought, and it was tightened. So, dono ko jod diya gaya. But he still, so all the ropes from the Yashoda house were brought, and even two fingers were इसी तरह से जब उन्होंने कहा कि आपके घर में अब तो रस्सी नहीं रह गई, तो उनके पड़ोसों वालों से रस्सी मांगी अपनी शक्तियों से। All the ropes were finished of Yashoda house. Then he told that you should bring from your own house. Even they were brought, but two fingers still short. क्यों ये ऐसा कंपड़ा? कंपड़ने का कारण क्या? जिस समय कृष्ण ने इच्छा की मैया हमको बांधने दे, उसी समय में कृष्ण की ऐश्वर्यमयी शक्ति वहां पर उपस्थित हो गई। और कृष्ण नहीं जानते हैं, और उनकी ऐश्वर्यमयी सेवा ये रस शक्ति उनकी सेवा का। When Krishna thought that, oh, my mother should not die. Because if she doesn't see, then how can I play with boy, Siddham, Subal and all? And how I can go to town who are waiting for me and they are shouting, Hamba, Hamba. And if I am not going, they will not give milk. And in their arm, there will be so much pain. So I must go there
तो जो सुदामा छोटा हमको न बांध, और इसी क्षण में उनकी इच्छा करने पर ही जो माया कृष्ण को समझने नहीं दिया और उनने प्रवेश करके कमर भी बड़ी नहीं हो रही, वही की वही पारण मूर्ति उसमें करते नहीं सोने की लगी हुई है, वो भी वही के जहां जहां तहां है, और रस्सी भी जोड़ते 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 दो चार पांच माइल लंबी हो सकती है, किंतु वह दो अंगुल तक बात कम पड़ती है। यशोदा मां टेकिंग अदर रोक्स एंड दे आर गोइंग वेरी मच लॉन्गर एंड लॉन्गर, दे बिकम 1, 2, 3, 4 miles इट मे बी, एंड कृष्ण दिस रीच्ड वेस्ट मलिक ऑफ 12 fingers and golden chain is there, it is not going bigger or larger, but by 2 fingers do ye hai bhakto ki sadhana kato sadhana aur bhagwan ki krita, bhagwan hamare sadhanon se hi nahi milenge, jitna bhi sadhan karo सहस्त्र साधन क्या है सुदुर्लभ, दिस भाव भक्ति इज सुदुर्लभ, प्रेमा भक्ति लेट मी वो तो उसके बाद ही क्या है, प्रेमा भक्ति के भाव भक्ति भी सुदुर्लभ है, साधन सहस्त्र ही किंतु साधन किए बिना भगवान मिलेंगे नहीं, साधन की भी जरूरत है, और दूसरी बात साधन करने पर भी यदि भगवान की कृपा ना हो तो वो नहीं मिलेंगे, इट इज वेरी रेयर टू सर्व कृष्ण बाय आवर साधन, एंड If you are not doing, even more, बिना साधन से मिलेंगे नहीं, किंतु साधन के द्वारा ही मिलेंगे, ऐसी बात नहीं, कैसे मिलेंगे, जब उनकी कृपा इसमें जुड़ेगी, when कृष्ण will be merciful, without his mercy, कृष्ण कहेंगे, control, so both are necessary, our साधन, how साधन, संख्या पूर्वक नाम गान नतरी काराम सानी कृतौ निद्राहार विहार काज विद्यौ चातम तदीनौ तजो राधा कृष्ण नष्टदे मधुरमान्ते सम्मोहितौ वन्दे रूप सनातनौ रविजगौ जीवगौ पालकौ, हाउ रूप सनातन एंड सिक्स गोस्वामी आर डूइंग लिविंग इन वन ट्री हियर वन ट्री हियर वन ट्री हियर विदाउट टेकिंग एनीथिंग डे एंड नाइट nothing, and also not sleeping in day and night, sometimes some night he can sleep only 24 minutes, otherwise never, sometimes sukha chana kabhi ubhi mana, sometimes right 50 60, and sometimes not like that. But this is for, we are saying it outwardly, and what is inwardly? Radha kuntate kalinda tanaya tire chavansi vate prema madhavase tasat gantav chadare shukadam bhava vibhutav muda vande rupsanatanav. When we will see half, we cannot see half. राधाकुंड और श्याम कुंड में कैसे वो भजन कर रहे हैं, ये होना बड़ा भारी मुश्किल है, हम संख्या पूर्वक कोई कोई कहते हैं कि हमने 2 lakh परिणाम किया, कोई कहते हैं कि हमने 4 lakh कर दिया, नहीं हमारे समझ में आता कि 4 lakh करते हैं, हरिदास ठाकुर के लिए तो सुना जाता है 3 lakh, मान लिया कि किसी ने कर लिया खाना पीना छोड़ करके भी 3 lakh, किंतु मन को एकाग्र करके सनातन जैसा करना ये बड़ा भारी कठिन है, to concentrate my time to all the chanting like this, and Krishna is
automatically dancing on their stomach. This is failure. It can be also done. But not like Rupa Sanatana, let's go to Radha Krishna and know what is this time, that is wonderful thing. He Radhe, Vrajadevi, Jalante, He Nanda Suno Kuta, Chiko Vardhan, Kalpata, Kadu Kale, Kalinde, Vanne Kuta, Goshanta, Vistar, Patau, Kedai, Ma, people. Ma, love, why can't you can have this Maha people of Bhava? Only these are you. Rupa Goswami, Sanatana Goswami, and in their subordinates, those who are. So it is very rare. Seeing these, when Rupa Sanatana is weeping and doing parikrama, Sanatana Goswami was painted there by the feet of Sun and in his poses. At once Krishna and Baldev came and they just like this. छाया अपने कपड़ों से उनकी छाया थी और कृष्ण ने अपने अत्यंत सुकुमार सुगंधी हाथों से उनका सिर स्पर्श कर दिया. उन्होंने वहीं पर हाथ उनके अरे ये तो कृष्ण और बलदेव देखते कृष्ण एंड I think it is so tight. Because you should not do like this. I'll give a stone of this Raj Govardhan, a piece of Govardhan, and my right footprint will be there, my Vansi will be there, and my Pagli will be there, a Gokur will be there, and you should do parikrama, parikrama. Where you are living. Oh, this is the mercy. Sanatana Goswami, Rupa Goswami, all their kadi upasana, parishan, and Krishna ki kripa dono mil karke ek hogi, us samay Krishna ko bandhi. Isliye Yashoda Maiya ka parishan, savere se sham tak bandh rahi hai, pratigya ki hum to bandh karke rahengi. She promised that I will have to bind him. So I will, if I am not binding him, today, for less and less, but I will try to bind, and I must bind. I'm seeing this sweat there coming. And she was thinking, oh, I can bind this little baby coming from my home. It is a very shameful. Oh, Narayan, be pleased to me. I will show my face to my sati. मैं अपने शक्तियों से यह मुंह कब दिखलाऊंगी, कैसे दिखलाऊंगी, हे नारायण रक्षा कर. ऐसे कहते हैं कृष्ण अंतर्ज्ञानी कृपया आशीष स्वबंधने. ऐसे उनको परिश्रम दे करके वो यशोदा जी के बंधन में आ गए. अब रस्सियों की जरूरत नहीं गई. There was no need of all the ropes. She hold on and only silken rope for the hair. Only in this. Krishna and that opal both were tightened. But she tightened, where she gave the knot, where? She first bended Krishna and then the opal. And at the last of opal, that knot. That Krishna cannot reach there. Krishna ke piche nahi bandha. Wo pehle Krishna mein lapet liya. एक बार लपेट करके फिर वो तो खल को भी लपेट दिया और लपेट करके वो खल के उस पार में जहां कृष्ण का हाथ नहीं पहुंचे वहां पर लेकर के बांध दिया. बड़ी चतुर थी ना, इसलिए ऐसा किया. सिर्फ तो नॉट क्लेवर, वेरी इंटेलिजेंट, क्लेवर नहीं था लाइक कृष्ण वाज क्लेवर, बट यशोदा वाज सो इंटेलिजेंट. So, here, Sita Graivan Damodaran Bhakti Vattam. We should see here that by rope Krishna was not bounded. Krishna rope unko bandh nahi sakhi. Kaun bandha? Krishna prem, Yashoda ka prem ne bandha. That rope could not tighten Krishna.
Krishna is not controlled by that group. But Yashoda's frame was there. Love and affection, Vatsalya, snake. And by that, how to show? To whom show? Now than all others, Bhakti Mahi. Because in third shloka, yes, it will be told. Yeah? Sitidit swalidad nirananda kunde, sapa samanivajantam akhya payantam. Sadiye shittam ketu bhakta jitam. Those who know your tattva that you are Satchidananda and full of all six excellence. To show them that I can be taken only, I can be controlled only by Braja Prema, the frame of Yashoda, Vatsalya, or Gopi, to show this. So anyone can control Krishna if they are following the Gopi or Vatsalya Bhava or Sakya Bhava, not Sakya Bhava, but Vatsalya Bhava or Gopi. So we should try. We should have three parties. But in this state, as Pujya Patravika Maharaj tell you, that we should give our attention also how to give up our anartha, aparadha and all. Both to be there. And if you are not following Goswami, like Rupa Sanatana and all others, we cannot do that. So we should follow that instructions of Upadeshanatam, Manasukhya and all others and explanation of Srila Bhaktivinoda Thakur of Siksha. If we want to do that, to do Suddha Bhakti, Suddha Krishna. Today we will go to Gopeshwar Mahadev. And from there, Vanshivar. And we will take the dust of that place. And we have some tapa. And from there, in the way, Lala Babu. And Brahma Kunda. There are two kunds. Brahma Kunda and Brahma Harada. Brahma Harada is between middle place of Vrindavan and Mathura, where Thomas was there and he took darshan of Krishna. And Krishna and Baldev returned from there to Braja and Vasudev Krishna appeared there and from there he returned to Mathura. So Brahma is there and we will go to Brahma Kunda where Dhogamaya, Pulma Devi took Shankar and drowned in that kund and he became Gopi. So that is Brahma Kunda. So we will go Brahma Kunda and from there we will come to Govindaji and Great Devi will be Gau Pramanandi. Hello? My name is Dr. Hare Krishna. Hare Krishna. So, I am going to go out now. I am going to go out now. Okay. Okay, let's do it. Let's do it. Let's do it. Let's do it. Gracias.